Hey guys, welcome to my YouTube channel and this is Priya here and I hope you guys are doing great. Aur aaj hai 31st and after very long time I am doing a vlog. So chalo aaj hum log ja rahe hain resort pe tonight for 31st night ke liye. तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. वो है रिसॉर्ट का नाम है वाइल्ड वैली, जो यहाँ से मेरे घर से इट्स लाइक 2 आवर्स की जर्नी है. सो अभी हम लोग कैब करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग बाय कैब एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वहाँ पे. दैट्स गोइंग टू बी अ बॉनफायर, डीजे नाइट एंड काफ़ी कुछ है. सो इंटरेस्टिंग होने वाला. सो चलो साथ में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला. सो लेट मी शो यू गाइस कि मेरा 31st नाइट मैं कैसे स्पेंड कर रही हूँ. एंड जब तक मैं ये वीडियो डालूंगी इट विल बी 1st जनवरी. सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड दैट्स इट. चलो लेट्स गो. बाय बाय. हाँ बैग पीछे रखो. हे गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं बनारकटा नेशनल कैंप जो एरिया है उस तरीके उस रास्ते से हमें लेके जाएंगे इस रिसॉर्ट के लिए, मोबाइल वैली रिसॉर्ट के लिए. तो हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. और फिर जैसे धीरे धीरे थोड़ा अंदर जाते बहुत ही ज़्यादा जंगल एरिया मिलता है आपको. डे टाइम पर तो ठीक है बट अगर रात के टाइम पर अगर आप लोग आ रहे हो तो थोड़ा बहुत डरावना लग सकता है क्योंकि आजू बाजू में आपको कोई घर नहीं मिलेगा. अगर कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए देयर इज नथिंग, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर. आप लोग देख सकते हो कितना सुनसान जगह है और यहाँ पे एक रिसॉर्ट बनाया गया. तो चलो ये रहा हमारा वेन्यू. फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे. पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा स्पेस था. तो जैसे ही हम लोग अंदर जाते काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ था बाहर से. और चलो अंदर जाके देखते हैं कैसे होने वाला है, कैसे दिखने वाला है. आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिख रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. और सामने में वो टेबल लगा के बैठे हैं वो कोऑर्डिनेटर लोग हैं जो हमारी आईडीज़ वगैरह चेक करते हैं और फिर बाद में हमारी डिटेल्स वगैरह हमें एक फॉर्म फिल करना होता है तो वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है सो दैट वी कैन बी ऑन द टाइम एट दैट प्लेस. और फिर बाद में वो हमें अपना टाइमिंग वगैरह बता रहे थे कि कौन से टाइम पर क्या होने वाला है और उसके बाद हमारे हाथ में एक बैंड पहनाया जाएगा. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था. तो चलो हम धीरे धीरे जाते हैं. तो मैं आप लोगों को बता दूं ये डाइनिंग एरिया है. यहाँ पे टी टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब यहाँ पे ही होने वाला है. और यहाँ पे ही चार्जिंग पॉइंट है क्योंकि जहाँ पे आप टेंट वगैरह रखने वाले वहाँ पे आपको कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो आपको यहीं पर आके चार्ज करना होता है. और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वुडन कॉटेजेस हैं, काफ़ी कुछ है इंटरेस्टिंग देखने के लिए. तो आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा हमें क्या क्या देखने मिलता है. ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला तो पूरी वीडियो देखिएगा. और ये रहा हमारा कैंप तो आप पूरी वीडियो देखिएगा गाइस. मजा नाइस नो गाइस. फाइनली हम लोग वाइल्ड वैली रिसॉर्ट पहुंच चुके हैं और ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा है तो अभी थोड़ी देर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो अभी हमें जस्ट हमें ये टेंट मिला है तो ये एंड दिस एंड दैट वन, 2 टेंट हम लोगों का है. सो आई एम लविंग दिस प्लेस. चलो लेट्स एक्सप्लोर एंड देखते हैं. काफ़ी सारी टाइमिंग है, 4 to 6 इज गोइंग टू बी अ रेन डांस. और मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में. आई हैव नॉट बॉट माई एक्स्ट्रा क्लॉथ ऑल्सो बट देन देखते हैं. लेट्स गो विद द फ्लो. चलो देखते हैं. हाँ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गाइज. आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बहुत सारा. एंड रात को वहाँ पे बॉनफायर होने वाला है सो लेट्स सी. तो गाइज़ ये है कैंप साइड जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहने वाले. आप लोग देख सकते हैं पूरी बुकिंग हो चुकी है यहाँ पे. और हम लोगों ने 2 दिन पहले की थी यहाँ पे बुकिंग वरना लास्ट मोमेंट तो यू नो 31st नाइट तो नहीं मिलता. तो ये रहा हमारा एक कैंप. काफ़ी क्यूट प्यारा सा है. इट्स लाइक फॉर 2 पीपल्स ये वाला. एंड दूसरा हमने ये वाला भी लिया है.
काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और क्या क्या है। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है हम लोगों का तो कैंप। तो मैं आप लोगों को अभी मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ, और मतलब आफ्टरनून का व्यू दिखाती हूँ सनलाइट के साथ, और फिर रात का भी व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे दिखने वाले हैं टेंट टेंट हाउस एंड ऑल। सो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। कॉटेज है ये वाला, अच्छा लग रहा है ना, बट पूरा बुक हो गया था। हाँ पूरा फुल हो गया, सही है। कॉटेज तो नॉर्मल घर जैसे ही है। हाँ अच्छा लग रहा है ना टेंट। यार सोचो अगर वहां से कुछ आ गया तो। ओ फुल देयर फुल ओवर देयर, ये वॉशरूम। सो गाइस ये रहा कायाकिंग का प्राइवेट, इन लोगों का था तो ये हमारे पैकेज में नहीं था, तो हमें इससे सेपरेटली पे करना था। इट्स हार्डली 50 रुपीज़। तो इन्होंने अपना प्राइवेट से पानी वगैरह डाल के कायाकिंग का सेटअप बनाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट इट वाज नॉट इन आवर पैकेज। सो हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था तो हमने नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, तो आई थॉट ऑफ नॉट डूइंग इट। बट वो वाला टेंट देखो वो अलग ही है, ग्रुप का कुछ शायद है। कुछ ग्रुप लोग। ये रहा हमारा टेंट, ये रहा हमारा टेंट। पे डाइनिंग रहेगा। कोई मैं कह रही चलो चले, यहाँ पे तो कितना ही है। बट जस्ट इमेजिन वाइल्ड वैली रिसोर्ट पे हम लोग हैं, वहाँ से कोई वाइल्ड एनिमल कूदेगा तो क्या होगा वहाँ। मैं तो भाग जाऊंगी। अभी चल नहीं रहा है शायद ना। चलो वहां से भी देर सबे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे जिप लाइनिंग है, वहां से जो तार दिख रहे थे बट आई गेस अभी बंद हो चुका है। काफी कुछ है देखने के लिए। और ये रहे टेंट्स, मोस्ट अट्रैक्टिव स्पेस। बीच बीच में ये ऑफ रोडिंग होगा चलने के लिए। हाँ बम्बू प्लांट, घर की याद आ रहा है। घर की याद आ रही है इन्हें, क्योंकि हमारे यहाँ तो रेयरली होता है, उत्तराखंड में शायद नागालैंड में ही होता होगा बम्बू प्लांट्स। ये है मिस्टर हैंडसम। गाइस अभी हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अपने पैरों से। वही होगा शायद रेड नेक्स ना। ओके ये वाला खाली दिख रहा है मुझे, तो मैं ये यूज करूंगी बफे एरिया। ओके जो अभी रात का दिन। ओके इवन दिस साइड इज अ कैंप। सही है, थोड़ा लो में ये बहुत सारी चीजें तो बना रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ ये भी काफी अच्छा लग रहा है।
पर वो बहुत बड़ा लग रहा था। नया बना है। हाँ, नया बना है। बढ़िया। अच्छा, जो वो लोग फायर ये बोल रहे थे करने वाले हैं शाम को। चलो निकलते हैं वहीं से। सो गाइज, ये रहा था दूसरा हाउस, पेंट हाउस, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और रात की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, वो डीजे वगैरह लाइटिंग्स वगैरह लगा रहे थे क्योंकि शाम आने को था और यहाँ पे ही डीजे नाइट होने वाला था। एंड दिस वाज द रिसेप्शन, काफ़ी क्यूट सा रिसेप्शन था। और यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह नहीं मिलेगा, बट जस्ट वाटर बॉटल एंड जूस एंड ऑल। और हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं अभी? बैठे हुए अपने शूज उतार लिए अपने शूज उतार लिए तो अभी हम लोग टेंट के अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेन डेक्स देखने जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो हम लोग बस लोगों को देखने के लिए जाएंगे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और हम बाहर से बस देखेंगे। डांस नहीं करने वाले? हम बस नहीं करेंगे। प्लीज हैव अ चेकअप बार। गाइस, मैं अभी टेंट के अंदर हूँ। मैं फिलहाल के लिए अभी शाम होने के लिए है, मतलब 5 बजे है, अभी भी धूप है तो, बट आई एम चेंजिंग माई ग्लासेस क्योंकि मुझे धीरे धीरे दिखता नहीं है आँख, काइंड ऑफ अंधी। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो, मुझे अच्छा लगा। और टेंट इज लाइक दिस, यू गाइस कैन सी, काफ़ी अच्छा है। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग बैठेंगे क्योंकि बहुत हरी हरी रश रश में हम लोग आए हैं। एंड वी वेर नॉट प्रिपेयर, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रेन टैंक्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट मेरा मोबाइल, हाँ, हमें कुछ प्रिपेयर नहीं थे हम इस चीज़ के लिए। अगर प्रिपेयर थे तो हम लोग शायद लाते अपना ड्रेसेस वगैरह, बट एक्स्ट्रास हम लोग कुछ भी नहीं लाए। तो प्रॉबली नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा आएंगे, बिकॉज इट्स लाइक वेरी ब्यूटिफुल रिसॉर्ट, तो दोबारा देखेंगे अगर आएंगे तो विल बी प्रिपेयर फॉर इट। सो मेरे आँख लग चुके हैं। हाँ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए बहुत धूप है, तो वी आर शिफ्टिंग नाउ, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, जहाँ पे दूसरे ब्रदर इन लॉ हमारे हैं वहाँ पे। सो लेट्स मूव देयर। आगे आगे देखते हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे हमें बताया है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। सो अभी के लिए बाय बाय। सो गाइस, अभी हम लोग फिर से रिसेप्शन के पास जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है। एंड दो बार हमारे पैसे कट चुके हैं, हमने वाटर बॉटल वगैरह लिया था, तो दोबारा जा रहे हैं। नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एरिया है तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो जाके देखते हैं वेदर दे गोइंग टू, आई गेस वी कैन बाय समथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस बैक मनी, या वाटर बॉटल या समथिंग हम लोग लेने। चलो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग गए थे शॉप पे, कैफे पे, हमें मतलब रिफंड तो नहीं देंगे, पैसे तो रिटर्न नहीं देंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन परचेज समथिंग। हमने दो वाटर बॉटल लिया है, एंड हैप्पी, एंड दीज आर दी वुडन कॉटेजेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं यार, ना वे जैसे रिव्यू में बताया है, मतलब काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट लिखा, तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं, एंड अच्छा है, चलो चलते हैं। Thank you.
जाओ। सो यहाँ पे अभी डीजे लगने वाला है 8 PM से। सो एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया, हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, यू कैन हैव अ ड्रिंक। वाओ, इट्स लुकिंग नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, ये रहा शाम का व्यू, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था एकदम लाइटिंग के साथ, एकदम मतलब माहौल बन रहा था एकदम 31st night बोल के ना, तो काफ़ी अच्छा सही लग रहा था। एंड अभी हम लोग जा रहे थे नीचे की तरफ क्योंकि स्टार्टर्स स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया था एकदम पार्टी एंड ऑल, तो हम जा रहे थे स्टार्टर लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टार्टर्स में हमें क्या क्या मिला। एकदम बुफे सिस्टम रहता है, तो हमें वहाँ पे भी बैठ के हम लोग डाइनिंग एरिया में भी खा सकते हैं, या हम लोग अपना जहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो वेज और नॉन वेज दोनों रहता है स्टार्टर में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग 3 लोग गए थे तो हमें पैकेज में 11,000 rupees मिला था, 11,000 का था हमें 3 लोगों का, तो काफ़ी सही लगा, इट वॉज़ वर्थ इट। हमें एक दिन स्टे मिला एक रात का, एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। और ये रहा बॉनफायर, और फिर बाद में ये लैम्प लाइट भी जला रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर तुरंत हो गया था हमारा डिनर टाइमिंग, और डिनर भी काफ़ी अमेजिंग था, इतना गंदा भी नहीं कह सकते खाना वगैरह, काफ़ी अच्छा खाना था और उनका क्वालिटी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छा था। और आप लोग देख सकते हो एकदम शादी वाला खाना मिलता है आप लोगों को यहाँ पर। मैंने तो 2-2 आइसक्रीम ले लिया था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। सो लेट्स वेट फॉर 12 AM एंड देखते हैं पार्टी कैसे होने वाला है। सुबह का 8:30 हो रहा है और हम लोग अभी उठ रहे हैं। मॉर्निंग ट्रैकिंग भी था 6:30 से, बट जिसका ओन व्हीकल है वही जा सकता है, एंड वी हैड नो आइडिया, तो हम अपनी व्हीकल नहीं लाए, हम लोग कैब से आए थे क्योंकि काफ़ी दूर था ये। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू हमारे टेंट में। चलो मैं थोड़ा फ्रेश अप होती हूँ और फिर अभी 9 o'clock से ब्रेकफास्ट शुरू होने वाला है, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिलने वाला है। सो लेट्स गो, और मैं आपको उससे पहले मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। बहुत धूप आ चुका है, इससे 1:30 और ठंड भी लग रही है। लेट्स गो, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। सो लेट्स गो। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम लोग ज़िपलाइन शायद स्टार्ट होने वाला है अभी, तो शायद हम लोग ट्राई करेंगे अगर स्टार्ट हो गया तो, वरना हम लोगों का चेकआउट टाइम है 11 AM, तो उससे पहले अगर हो गया तो करेंगे। तो मैं लगता है हो गया है, सेटअप तो कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा ना, मे बी दैट्स फॉर द नेक्स्ट बैच जो आएंगे। चलो देखते हैं अगर हम लोग ज़िपलाइन करेंगे तो आप लोग को बताऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी।
चलो साथ में चलते हैं। सो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ थे, बट जो 31st नाइट वाले पैकेज में आए थे उन लोगों के नहीं था। ये दुखद की बात है कि वो ज़िपलाइन जो है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा और हम लोगों का चेकआउट है 11 o'clock, और वो पैकेज अलग है। वो जो डे एक्टिविटी वालों का होता है ना, जो डे टाइम पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए है वो एक्टिविटीज़, जो भी सारे ज़िपलाइन और क्लाइंबिंग एंड ऑल ये सब ना, उन लोगों के लिए। तो हम लोगों के लिए नहीं है वो पैकेज, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और देखते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींचेंगे। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे हैं मैंने, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं। मैं अपने इंस्टा आई डी मैंशन कर दूँगी यहाँ पर, आप मेरे इंस्टा पर जाके देख सकते हैं। एंड दैट्स इट, चलो देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, और मेरा 31st नाइट कुछ इस तरह था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका 31st नाइट कैसे था। तो हाँ, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।